अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में ऑडिट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऑडिट वर्किंग पेपर, जिसके अंदर हमने फोकस किया था पर्पस एंड यूजेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। फिर हमने देखा था वर्किंग पेपर ऑर्डिनरली इंक्लूड क्या क्या चीज़ें वर्किंग पेपर के अंदर शामिल होती हैं। फिर हमने देखा था कि ऑडिट वर्किंग पेपर में जो फाइल्स होती हैं उनमें परमानेंट फाइल इंडेक्स क्या होती है। फिर हमने देखा था इसके अंदर करंट फाइल इंडेक्स जो कि हिस्सा होती है ऑडिट वर्किंग पेपर का। फिर हमने देखा था इसके अंदर पीएसए 2000 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑडिट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है। मैटर अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, क्यों कौन कौन से मैटर और कौन कौन से फॉर्म हैं जो ऑडिट वर्किंग पेपर को अफेक्ट करती हैं, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, और हम यहाँ तक लास्ट क्लास में पहुँच गए थे टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के अंदर हमारे लिए जो सबसे पहले होता है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है, जो कि ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिज़िकल कंफर्मेशन करता है मुख्तलिफ रिकॉर्ड और मुख्तलिफ इन्वेंट्री से रिलेटेड। सेकंड, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट और कंफर्मेशन, ऑडिटर कंफर्मेशन करता है वो तमाम स्टेक होल्डर से जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पे इन्फ्लुएंस या रिलेट करते हैं। क्लाइंट स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट के स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अफेयर्स क्या हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। एविडेंस के अंदर एक और अहम एविडेंस जो होता है वो होते हैं ऑब्जर्वेशन, कि ऑडिटर ने वो ऑब्जर्वेशन कैसे और कहाँ कहाँ किए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। क्लरिकल एक्यूरेसी और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लियर एफिशिएंसी है उसकी एक्यूरेसी क्या है। कंपैरिजन डेटा एंड रिलेशनशिप, कंपैरिजन भी करते हैं ऑडिट एविडेंस में और डेटा रिलेशनशिप को भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर डिटेल को देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल ऑडिटिंग प्रोसीजर, काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्रीज, कैश सिक्योरिटीज एंड मेच्योर प्रोमिसरी नोट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक अहम एरिया होता है वो होता है उसकी इन्वेंट्री का, जिसकी फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। फिर कैश सिक्योरिटीज, कैश सिक्योरिटी की कंफर्मेशन करना है कि जो क्वांटिटी शो की जा रही कैश सिक्योरिटी की और अमाउंट वो एक्यूरेट है या नहीं है, और वो तमाम अनमेच्योर प्रोमिसरी नोट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा होते हैं। To establish existence and where the applicable ownership and condition of the assets. Third party statement or confirmations, obtaining information directly or detail of the account balance. हम third party statement or confirmation के दौरान या तो डायरेक्ट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑडिटर और कंफर्म करता है वो तमाम अहम मैटर्स जो कि फाइनेंशियल अफेयर्स को अफेक्ट करते हैं, या उसको डिटेल ऑफ अकाउंट बैलेंस के ज़रिए कंफर्मेशन किया जाता है कि उनकी एक्यूरेसी का लेवल किस हद तक सही है। टू वेरीफाई वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ बैलेंसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन विदाउट आउटसाइड पार्टीज। क्लाइंट स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन, क्लाइंट की जो स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑब्टेनिंग क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स, एक्सप्लेनेशन टू मैनी डाइवर्स क्वेश्चन राइज ड्यूरिंग द ऑडिट। हम क्लाइंट की जो स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो लेटर्स की फॉर्म में होती है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, और वो तमाम एक्सप्लेनेशन जो कि ऑडिट के दौरान क्वेश्चन रेस करती हैं जिनके आंसर की अवेलेबिलिटी एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
वो आंसर डिमांड किए जाते हैं क्लाइंट से। टू ऑब्टेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाइंट एंड इट्स सर्कमस्टेंसेस। अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन, अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एग्जामिंग और वॉचिंग पे चेक्स, वेंडर्स परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, टाइटल्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स। अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन को जब हम चेक करते हैं उसके अंदर परचेज ऑर्डर्स क्या क्या रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, रिसीविंग रिपोर्ट्स क्या क्या रही हैं, टाइटल्स, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो क्या क्या हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्री मटेरियल जिनका जानना एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है। टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस एंड कंप्लाइंस विद द इंटरनल कंट्रोल। फिर हम ऑडिट एविडेंस के अंदर एक अहम सेक्शन होता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्विंग द टेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज बाय क्लाइंट पर्सन और द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है फिजिकली इन्वेंट्रीज को जो है चेक किया जाता है कि उनकी एक्चुअल स्टॉक या क्वांटिटी कितनी है और उसके ज़रिए उस ऑपरेशनल और इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाता है कि उसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी क्या है। टू डिटरमाइन कंप्लाइंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। क्लरिकल एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं ऑडिट एविडेंस में। रीचिंग क्लरिकल डिटर्मिनेशन बाय क्लाइंट्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटेशंस एंड ट्रांसफर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेड बाय द क्लाइंट्स। क्लरिकल एक्यूरेसी का जानना एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के दरमियान जो एक अहम परफॉर्मेंस होती है वो अकाउंट्स क्लर्क की होती है और उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना और कंप्यूटेशन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन जो कि क्लाइंट की तरफ से फराहम की गई है। कंपैरिजन एंड डेटा रिलेशनशिप। फिर एक और ऑडिट एविडेंस हमारे पास होता है कंपेयरिंग करंट रेशियो, करंट पीरियड अकाउंटिंग बैलेंस और ऑपरेटिंग डेटा विद द सिमिलर इंफॉर्मेशन फॉर पीरियड्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग अनयूजुअल डेटा रिलेशनशिप। कंपैरिजन एंड डेटा रिलेशनशिप के जरिए जो करंट पीरियड अकाउंटिंग बैलेंस होते हैं उनको चेक किया जाता है। ऑपरेटिंग डेटा विद सिमिलर इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है और सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है उनकी कंडीशन को चेक करते हैं और इसके ज़रिए जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है अनयूजुअल डेटा और रिलेशनशिप्स की। टू डिस्क्लोज एंड डिटरमाइन द रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस, ताकि हम उन सिग्निफिकेंट चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सकें जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकर हुई हैं। वर्किंग पेपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। वर्किंग पेपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है वो उसके एलिमेंट और उसकी कंडीशन कुछ इस तरह होती है। कंटिन्यूइंग ऑडिट फाइल, रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग, जॉब एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क ऑफ अदर्स, लेट शेड्यूल्स एंड सबस्क्रिप्शंस वर्क, फाइनेंस रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेशन साइकिल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट, लेट शेड्यूल एंड सबस्क्रिप्शंस वर्क, एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिटेल शेड्यूल एंड मर्केंटाइल्स।
If there are two or more passages of comprising given the schedule, the passages are marked to indicate both particular pages and the number of the total pages. Detailed work of an account balance could be supported by the several tiers of supporting schedules using the financial index. यहाँ पे आके जो है ये आज का हमारा सेक्शन ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.